और दोस्तों, मैं जीवन पंडित, आप लोग को मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दोस्तों आज इस वीडियो में दिखाएंगे पेन की कमर कैसे ढीला करें। दोस्तों, सिलाई का हुआ पेंट हो या आपका खरीदा हुआ पेंट हो या रेडीमेड हो, पेंट में आपको यदि आपका पेंट कुछ छोटा हो जाता है, टाइट हो जाता है, तो कैसे ढीला कीजिएगा जो कि पहनने में अच्छा लगे, आइए इस वीडियो में आप लोग को देखने को सीखने को मिलेगा। दोस्तों दोस्तों चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर लिखिए। आइए इस वीडियो में दिखाते हैं। ये पुराना पेंट है, इस पेंट का कमर ढीला करना है। अब देखना है कि इस पेंट में कमर कितना है, यहाँ से नापते हैं। नापने का फॉर्मूला देखिए, ये हुक से ये हुक, ये दोनों हुक से यहाँ से नापा जाएगा, तब जाकर के आपका सही। अभी इस पेंट में कितना है देखना है। इस पेंट में हमको इस तरह से देखिए, इधर हुक है, हमको इस तरह से फीता को, इंची टेप को रखना है, इस तरह से नापना है, ठीक है। इस तरह से हम माप लेते हैं, इस तरह से देखिए इस पेंट में लंबाई कितनी, कमर कितना है, 32 इंची एक सूता है, 32 इंची एक सूता है, ठीक। अब इसमें कितना है बोले हैं, 2 इंची आपको ढीला करना है, 2 इंची ढीला। तो क्या करना का, ये खोलना पड़ेगा, इसको खोलिए, ये सब इस तरह से, ये सिलाई के वहाँ पेंट है, इस तरह से इसको खोलना पड़ेगा, इसको भी खोलना पड़ेगा, ये धागा सब खोलना पड़ेगा। चलिए खोलते हैं, ये चिमटी क्या बोलते हैं, ये चिमटा है, इस तरह से इसमें भी खोलने में सुविधा रहेगा, इस तरह से इसमें सिलाई में घुसा देंगे और टान देंगे, थोड़ा खोल जाएगा। चलिए अब इसको सूता धागा सबको थोड़ा साफ कर लेते हैं, साफ करने से क्या होगा, पेंट अच्छा दिखाएगा, नहीं तो सूता लटका रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा। इस तरह से साफ करने के बाद इसको साफ कर लेते हैं। इस जॉइंट से लगभग 3 इंची, 2.5-3 इंची दूरी पर दूरी तक खोलते हैं, इसके बाद इधर मेकअप कर देते हैं पूरा, तो मतलब जॉइंट तक नहीं खोलिए, नहीं तो फिर मतलब ये करने के बिठाने में दिक्कत होगा, इसलिए जॉइंट जॉइंट से लगभग 3 इंची, 2.5 इंची मतलब तक मतलब ये राउंड गैप ही रहना चाहिए, तब जा करके मेल तो सही रहेगा, ठीक है। इसके बाद धागा सब साफ करने के बाद अब देखिए कितना है, कमर 32 था, अब 34 हो गया, 34 इंची एक सूता, मतलब 2 इंची बढ़ेगा। अब यहाँ से हमको आधा करना है, कितना है, 34 है, 34 का आधा हो गया 17, 17 में हम यहाँ पर दाग देते हैं, यहाँ पर 17 में दाग दे दिए, ठीक। और इधर भी ये इस हुक से हमको इधर भी 17 इंची दाग देना है, इधर भी हम 17 का 17 दाग दे दिए, 17 एक सूता है, मैंने 34 एक सूता होगा तो 17 से थोड़ा सा ज़्यादा दे दिए, ये इधर इधर पट्टी वाला इधर हो गया और इधर पट्टी का दाग हो गया आपका इधर, ठीक है। अब दोनों को मिला देना है बस, तो पेंट को पूरा उल्टा लेना है, ये छोड़ एगो एगो दागी यहाँ पर है यार, एगो दाग है इसके बीच में, हमको अब सिलाई कर देना है, सिलाई मैंने बीच में टाकना है, तब ताकि क्या होगा, दोनों समान ये भी समान होना चाहिए, नहीं तो इतना छोटा बड़ा जो हो रहा है आगे पीछे, मैंने दोनों पल्ला में कम बेसी थोड़ा हो रहा है, तो क्या करना है, इसका बीच मैंने दोनों दागी का जो बीच होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए इस यहाँ पर हमको एगो निशाना देना है, बस यहाँ देना है। अब इसको हमको टाक देना है, सिलाई करना है, तब ये आपका, इसके बाद फिर फीता से हम चेक कर लेंगे सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरह से पहले यहाँ पर हम टाकते हैं। यहाँ पर ये जो पुराना सिलाई, ये पुराना सिलाई और यहाँ पर जो अभी ढीला किया गया, ये दोनों को मिला देना है, बस ये हो गया। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू आप कीजिए, और इसको ये दोनों समान समान होना चाहिए, समान ही रहेगा, जो पुराना जो निशाना है, दाग है जो बोलिए, ये आपका जो मोड़ा मोड़ने का जो दाग था पहले का, ये एक्स्ट्रा कपड़ा रखा इसलिए रखते हैं सिलाई, ये सिलाई 3 बार कर दिए, ये हो गया। अब इसको आप प्रेस कर देंगे, और ये जो जो पहले का क्रीच है, ये मोड़ा हुआ था, इसका निशाना ये निशाना आपका आयरन कर देने के बाद, देखिए किस तरह से आयरन कर देंगे कि ये चला जाएगा, हल्का सा आपका लाइट डिप आएगा, क्योंकि ये अंदर में छिपा हुआ था, अब ये थोड़ा, मगर ये जो दाग है ये आपका मिट जाएगा। आइए आयरन में दिखाते हैं, तकिया इसमें आप तकिया के सहारा से, तकिया की मदद से हम इसको आप प्रेस करेंगे इस तरह से, ये आपका पूरा इस तरह से प्रेस, ये इस तरह से आप धागा को साफ कर लीजिएगा, ये आपका पूरा ये हो गया, देखिए ये पूरा दाग मिट गया, जो जो पहले मोड़ा हुआ जो दाग था ना, इस तरह से मिटा दिए पूरा, ये धागा सा साफ हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया परफेक्ट, थोड़ा सा लाइट भी अल्लाह लग रहा है, ये पुराना है, ये अंदर में था इसलिए ये थोड़ा चेक
लाइट कर रहा है। अब देखिए ये पूरा हो गया, ओके, कमर जितना था उतना कर दिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। समय आपका समय मिला तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हर प्रकार का वीडियो डाला गया है, जाकर के देखिए सीखिए। दूसरा वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, और लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।